आजकल दीवारों पे बाहर एक्सटीरियर में रस्टिक पेंट रस्टिक किया जाता है, पुटी जैसा रस्टिक होता है, और एक्सटीरियर के लिए पुटी की अपेक्षा रस्टिक या टेक्सचर जिसको कहते हैं, जनरली इसको रस्टिक ही नाम दिया गया है, यूज़ कर रहे हैं मॉडर्न बिल्डिंग्स में, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में। रस्टिक की अपनी खासियत है कि ये 2-4 साल तक जो है झड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। पुटी जहाँ 1-2 साल के बाद फट के निकलने लगता है, वहाँ पे रस्टिक की शाइनिंग जो है बरकरार रहती है। कॉस्ट में रस्टिक महंगा है, प्लस लगाते समय कुछ रस्टिक गिरता भी है। पुटी जहाँ बर्बादी कम होती है वहाँ रस्टिक की बर्बादी ज़्यादा होती है, और रस्टिक महंगा भी है, लेकिन फिर भी एक्सटीरियर में ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। 4-5 साल तक ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये रस्टिक जो है आराम से चलता है, इसकी शाइनिंग बरकरार रहती है। पुटी जहाँ चमकता है उसमें एक शाइनिंग होती है, उस तरह की शाइनिंग तो कम होती है, लेकिन दीवारों में अपनी खूबसूरती ये 4-5 साल तक बरकरार रहता है। पुटी में प्रॉब्लम्स होती हैं कि जगह जगह फटने की समस्या होती है, ये समस्या नहीं होती है। जिस तरह से पुटी लगाते हैं उसी तरह से रस्टिक भी लगाते हैं, और जिस ढंग से घिसाई करते हैं, गोल 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 अगर घिसाई करेगा तो डिज़ाइन अलग तरह का होगा, ऊपर नीचे अगर मारेगा तो उसका डिज़ाइन अलग तरह का होगा, तो एक ही तरह की डिज़ाइन जो है पूरे बिल्डिंग पर ये देते हैं। ये जैसे कर रहे हैं रस्टिक कर रहे हैं, वैसे देखा जा सकता है कि पहले ये रस्टिक का जो मटेरियल है बाल्टी से निकाल के इसके ऊपर लगा रहे हैं, लंबा झूला रस्सी बना के करते हैं। जैसे देखा जा सकता है बिल्डिंग के ऊपर से लेकर नीचे तक रस्सी झूला है, जो रस्सी और बांस के सहारे बनी हुई है। इसमें 2 मिस्त्री आराम से चढ़ के काम करते हैं। तो रस्टिक के लिए जो है मटेरियल बनाने के बाद, मटेरियल रस्टिक का बोरा में गीला ही आता है, थोड़ा सा उसमें पानी मिला के और उसको हल्का किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और उसके बाद जो है गुरुमाला ये इंस्ट्रूमेंट है, स्टील की पत्ती की बनी हुई है, इसके थ्रू लेके लगाते हैं, और लगाने के बाद जो है उसको रगड़ा जाता है। रगड़ने से जैसा जिस ढंग से रगड़ेंगे, गोल गोल रगड़ेंगे तो अलग डिज़ाइन आएगा, ऊपर नीचे करेंगे तो अलग डिज़ाइन आएगा, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार जिस तरह का भी डिज़ाइन आना है उसको उसी तरह से रगड़ना है। तो इस तरह से रस्टिक जो है दीवारों पे शाइनिंग इसकी जो है सालों साल बरकरार रहती है। 3 से 4 साल तक तो कोई क्वेश्चन आंसर ही नहीं है इसमें कि ये ख़राब होगा। पुटी जो है उसमें ये चांसेस होता है कि बीच बीच में फट जाता है, झड़ जाता है, लेकिन रस्टी जो एक दानेदार पदार्थ होता है और बोरा में ये गीला ही आता है, और उसके बाद उसमें पानी लगा के थोड़ा सा और ढीला किया जाता है, और उसके बाद दीवारों पे ये अप्लाई किया जाता है। जिस तरह से पुटी किया जाता है उसी तरह से रस्टिक भी किया जाता है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें लगाने के बाद इसको रगड़ना है। रगड़ने से डिज़ाइन जो है वो आता है, इसको पुटी लगाने के बाद रगड़ना है। अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट है, ये जैसे देख रहे हैं हम लोग की प्लास्टिक का ये इंस्ट्रूमेंट है, इससे ये रगड़ रहा है। एक लोहे का आता है, एक प्लास्टिक का आता है, उससे रगड़ा जाता है। तो जिसकी जो सुविधा हो उसके अनुसार ये रगड़ना है, और रगड़ने के पैटर्न के अनुसार जो है ना छोटे छोटे डिज़ाइन उसमें अपने आप आ जाते हैं। जैसे रगड़ेंगे गोल गोल घुमा के तो वो गोल टाइप का आएगा, अगर नीचे से ऊपर करेंगे तो वो अलग डिज़ाइन आएगा। तो तरह तरह के डिज़ाइन आते हैं। ये रस्टिक का दीवार में लगाने के बाद उसके ऊपर रगड़ना है, जैसा रगड़ेंगे वैसा इसका डिज़ाइन आएगा। कॉस्टली ये पड़ रहा है पुटी की अपेक्षा। पुटी जहाँ 2-3 बार किया जाता है, प्राइमर किया जाता है, फिर कलर किया जाता है, इसमें इस तरह की नहीं है। इसमें सिंपली जो है पुटी करने के बाद चाहे तो प्राइमर पेंट मार सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये खासियत है इसकी, जहाँ पुटी में 3 कोट लगाना पड़ता है वहाँ रस्टिक की 1 ही कोट से ये काम हो जाता है, इसमें 3 या 4 कोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लेटेस्ट का डिज़ाइन जो है रस्टिक का जमाना है। आजकल लोग अपने घरों में रस्टिक लगा रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में रस्टिक लग रहे हैं,
जो कि इसमें रिपेयर का खर्चा नहीं होगा, पूरे बिल्डिंग में ऊपर से नीचे तक रस्सी झूला के थ्रू जहाँ भी करना हो रस्सी झूला बना के ये लगा देते हैं। जनरली एक मिस्त्री करना है तो सिंगल रस्सी सही वो लटक के करता है, लेकिन जहाँ दो की ज़रूरत है ये दो वाला जो है बांस का जो झूला बना हुआ रस्सी के थ्रू ये ज़्यादा सूटेबल है रस्टिक वगैरह के लिए या पुट्टी के लिए। तो ये देखा जा सकता है कि ये पुट्टी ये जो रस्टिक के मिस्त्री हैं वो पहले लगा रहे हैं, पहले रस्टिक को नीचे से लेके ऊपर तक लगा रहे हैं। इसमें ये ध्यान देना है कि नीचे से लेके ऊपर लगाएंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा काम अच्छा होता है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे अगर लगाने लगते हैं तो वो गिरने लगता है, मटेरियल जो है वो गिरने लगता है नीचे नीचे, कुछ बिछाना पड़ता है कि यह सही सलामत फिर से इसको उठाया जा सके, लेकिन फिर भी उसमें गंदगी हो जाती है। तो कोशिश करना है नीचे से लेके ऊपर तक लगाएंगे तो रस्टी का जो मटेरियल है वो कम गिरता है। तो रस्टी का आजकल का डिमांड है, नए जमाने का है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, पुट्टी इतना चमकता तो नहीं है लेकिन ये इसकी शाइनिंग जैसा है वैसे सालों साल बनी रहती है। रस्टी का जो मटेरियल है इसको लगाते हैं और उसके बाद जो है लगाने के बाद आराम से उसको गोल गोल करके या आगे पीछे करके जिस तरह का भी डिज़ाइन चाहते हैं हम उस तरह से इसको रगड़ना है। अभी पुट्टी लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, ये चारों तरफ पूरी दीवार में अच्छे से पुट्टी लगाया जा रहा है। ये जो झूला बंधा हुआ है वो झूला जो बंधा हुआ है यहाँ पे ये बोरा दो तीन रखा हुआ है इसके ऊपर में और उसके सहारे ये पूरा ये रस्सी लटक रहा है, उस पर दो दो मिस्त्री जो हैं रस्टिक लगा रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक मटेरियल को रगड़ रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक मटेरियल को रगड़ रहे हैं। लगाने का तरीका ये है कि नीचे से लेके ऊपर तक रगड़ना है, नीचे से लेके ऊपर तक रगड़ना है, नीचे से लेके ऊपर तक रगड़ना है तो उसमें काम अच्छा होता है, माल की भी बर्बादी जो है वो कम होती है। ऊपर से जैसे ये लगा रहा है तो इसमें गिरने का चांस काफ़ी रहता है कि मटेरियल जो है वो बर्बाद होगा, गिरेगा। तो जनरली नीचे से ऊपर ही लगाना है, लेकिन कहीं कहीं अपनी आवश्यकता के अनुसार ये ऊपर से नीचे भी लगा देते हैं। तो ये रिकमेंडेड होता है कि नीचे से लेके ऊपर लगाएं, लेकिन जैसे सुविधा है उसके अनुसार कहीं कहीं जो है इस नियम को बाईपास भी करना होता है। रस्टिक लगाने के पहले जो है दीवारों को साफ किया जाता है, पत्ती की मदद से दीवारों को साफ किया जाता है कि जितने धूल कण वगैरह होंगे या फिर जो बालू वगैरह ठीक से चपका नहीं होगा उसमें या जो अदर रस्टिक या फिर पुट्टी, ये प्रश्न बराबर आता है कि बिल्डिंग के एक्सटीरियर में क्या अच्छा रहेगा, रस्टिक अच्छा रहेगा या पुट्टी अच्छा रहेगा। देखिए पुट्टी तो काफ़ी दिनों से लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रस्टिक की जो टेक्नोलॉजी है ये नई आई हुई है और इसकी परफॉर्मेंस पुट्टी की अपेक्षा अच्छी है। हालांकि रस्टिक जो है ये काफ़ी महंगा पड़ता है, कॉस्ट इसकी जो है महंगी आती है और इसको लगाने में भी खर्च जो है पुट्टी के अपेक्षा ज़्यादा होती है, लेकिन ये ड्यूरेबल जो है ये ड्यूरेबल है ऐसा बोलते हैं कि 6-7 साल जो है ये रस्टिक किया हुआ चल जाता है और पुट्टी जो है 2-3 सालों में वो फटने की शिकायत इसमें आ जाती है। तो तरह तरह की ओपिनियन है लोगों की, हालांकि मैं तो देख रहा हूँ कि रस्टिक का जो है शुरू में जब रस्टिक लगता है और पुट्टी लगता है तो पुट्टी में एक शाइनिंग आती है, दूर से एक चमक आती है, रस्टिक में ऐसी चमक नहीं आती है, लेकिन बहुत ही जेंटल लगता है, जेंटल लुक होता है इसका, बहुत ही जेंटल लुक होता है जहाँ पे एक विशेष तरह की डिज़ाइन में ये बनी होती है, छोटे छोटे दाने जैसे इसमें होते हैं और वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में करने से दाने नज़र आते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये पेंटर जो है अभी जो है ये पुट्टी लगा रहा है, ये रस्टिक लगा रहा है, रस्टिक लगा रहा है और पूरी दीवार में जब लग जाती है तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे ये गुरुमाला बोलते हैं।